हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 6 विषय हिंदी पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है भीष्म की प्रतिज्ञा। कल मैं आप लोगों को इसकी कहानी बता चुकी हूँ, आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगी, बहुत अच्छी कहानी है। यह महाभारत आप लोग देखी होंगी, उसमें भीष्म पितामह की जो पाठ जो है आप लोग जरूर देखी होंगी। उसी पर ये भी एक नाटक में एकांकी है, ये नाटक बनाया गया है उन लोगों के एकांकी इसका। आज मैं प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ, आप लोग प्रश्न उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सनंतु कहाँ के राजा थे? तो जानते थे लोग ना, सनंतु कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के राजा थे। पहला क्वेश्चन है, सनंतु कहाँ के महाराजा थे? सनंतु नगर थे। उत्तर है सनंतु हस्तिनापुर के महाराजा थे। दूसरा क्वेश्चन है, thank you.
हाँ, मैं पहला प्रश्न आप लोग को बोर्ड पर लिखती हूँ, इसे सुनिए। शांतु कहाँ के महाराजा थे? उत्तर होगा शांतु हस्तिनापुर के महाराजा थे। दूसरा है, निशाराज ने राजा से अपनी कन्या का विवाह के लिए क्या शर्त रखी? क्या शर्त रखी? तो मैं जब आप अपना जवाब दीजिए कि मैं मेरी बच्ची से जो बच्चा पैदा होगा वही राजगति पर बैठेगा, तब मैं आपसे शादी करूंगी। कहता है पर रखे, निशाराज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न बालक ही राजगति पर बैठेगा, तब हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करेंगे। राजा के सामने शर्त रखे कि मेरी आप मेरी लड़की से शादी कीजिएगा, उससे जो पैदा बच्चा होगा पाला वही राजगति का मालिक होगा, तब मैं आपको आपसे अपनी बेटी की शादी करेंगी। यह सुन के क्या कहानी तो पढ़ की है, क्वेश्चन है दूसरा आएगा। आप लोग का कहानी सुनी हुई तो राजा क्या है सुन के दुखी और लौट गए, लेकिन उनके जो पुत्र थे देवव्रत जो जिनका नाम था बीच में बाद में पड़ा, वो क्या वो गया जाकर संतु से और जाकर निशाराज के राजा से कहे तो मुझे यह शर्त मंजूर है, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, मेरा होने वाला भाई जो होगा वही जो है राजगद्दी पर बैठेगा। यही उनका यही कहानी है। यह कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग कहानी को खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और समझिएगा। बीच बीच में से मैं क्वेश्चन कहीं से भी आप लोग को फिर इसके बाद बीच बीच में कहीं से क्वेश्चन एक एक नंबर का दिखवाऊंगी। आज आप लोग इसको तैयार करिए, पेयर तैयार करके रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। कभी भी कॉपी की जाँच की जा सकती है। आज का टॉपिक इतने, ओके, धन्यवाद।